नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसे बड़े क्या बच्चे भी मांग सॉरी बच्चे क्या इसे बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। ये इतना चटपटा और टेस्टी रहता है, आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो आप मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर लें। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में उबले हुए आलू को मैश करेंगे। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसमें हम धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन आदि, काली मिर्च और लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ में ही नमक समक ऐड करेंगे टू टेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम पनीर को स्लाइस में कट कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमें बैटर की तैयारी करनी होगी, तो इसके लिए बेसन लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे फेंट लेंगे। इसे हम जब तक फेंटेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बैटर थोड़ा पतला होगा इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बैटर अब तैयार है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर और खास मसाला। अगर इस मसाले की आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देते हैं। अब हमारी सारी सामग्री तैयार है, अब हम आगे का तैयारी करते हैं। तो अपने प्लाम पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और चोखा लेंगे और इसमें बीच में हम पनीर को ऐड करेंगे। एक तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम सारे को एक ही जैसा हम कर लेते हैं। ये अब सब रेडी है, आप चाहिए तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करेंगे। अब हम एक बैटर में डिप करेंगे और इसे डीप फ्राई होने देंगे।
जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल बाहर हो जाए। बाकी बचे को हम इसी तरह से छान लेते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चॉप तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो इसको प्लेट करने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें टिश्यू पेपर ऐड कर हम उस पर चॉप को ऐड करेंगे, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी। इसे हम लाल चटनी या ग्रीन चटनी के साथ परोसेंगे और साथ में ही हम चाट मसाला और काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा लच्छा प्याज भी ऐड कर लेंगे, ताकि लोग देखते ही इस पे टूट पड़े। अब ये तैयार है, चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये कैसा बना है। इट्स टू यम्मी। यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojiakhushbu122। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। प्लीज़ कीप योर क्लीन सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।